नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रुद्रपुर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ आज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल अपने समर्थकों के साथ जीडीएम विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित कटौती के बारे में लिखित आदेश जनता को देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अघोषित विद्युत कटौती किसी भी दशाओं में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहने को उधम सिंह नगर है, सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति उधम सिंह नगर से होती है और जिला मुख्यालय में 1000 से अधिक फैक्ट्रियां कार्यरत हैं, 540 फैक्ट्रियां सिडगुल में। इसके अतिरिक्त रुद्रपुर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रियां विद्यमान हैं। इन इंडस्ट्रियों में काम करने वाले 2,00,000 से अधिक स्टाफ, कर्मचारी, लेबर, ये सब लोग, इनकी रोजी रोटी का सवाल आ गया है। अगर उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, इनको विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आक्रमणता, चोरी चकारी, अपराध बढ़ेगा, लोगों का पलायन बढ़ेगा। इसलिए, और जो मलिन बस्तियां हैं उसमें निवास करने वाले असहाय लोग, उनको विद्युत आपूर्ति मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जाके पैरना पड़े विभाई वो क्या जाने पीर पर आई। वही गंगोत्री धाम में गंगा जल स्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार भू कटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने भवनों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। गंगा जल स्तर से हो रहे कटाव के कारण पैदल रास्ते के नीचे बनी दीवार कभी भी गिर सकती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं इसको लेकर गंगोत्री के रावलों की मांग है कि यहां पर जिला प्रशासन तत्काल सुरक्षात्मक कार्य करे। खबर लक्सर से है, जहां पिछले लंबे समय से आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का कार्य बंद चल रहा था, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही थी और अब कई लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर आदेश पारित कर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया है कि आज से स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और सुचारू रूप से देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं होगी। वह अपने दस्तावेजों के साथ सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सर में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं बने थे तो उन लोगों को कहीं दिखाने में कोई अपने कार्ड नहीं बन पा रहे थे, तो वो परेशान हो रहे थे, अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो हमारे सीएमओ साहब ने कि किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लक्सर क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र आता है हमारा, यहाँ पर जोगा वाला, बड़ी वाला, उधर हमारा गंगतासपुर गाँव, जो बॉर्डर के लोग हैं वो लोग नहीं पहुंच पाते और उनको अपने इलाज कराने में कठिनाई होती। तो ये सरकार ने, हमारी डीएम सर, हमारे सीएमओ साहब ने कहा कि उनका अस्पताल में ही कार्ड बने और यहीं से इनको कार्ड मिलेगा, अपना फ्री इलाज कराएगा, सुविधा आज से प्रारंभ कर दी गई। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से ब्लॉक टावर तक सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने साइकिल रिक्शा रैली निकालकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। वहीं इस दौरान उत्तराखंड की राजधानी में प्रदर्शन करते हुए महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार ने हर एक खदान पर जीएसटी थोप दी है, जिससे महिलाओं का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को सत्ता तक पहुंचाने के लिए महिलाओं की बड़ी भूमिका है, लेकिन आज महिलाएं भाजपा सरकार से त्रस्त हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है और रोजगार के आयाम नहीं बढ़ रहे हैं। देवाल विकासखंड के ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास खंड के बाजार क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई, जहां बैठक में विकास खंड के अधिकारी, राजस्व विभाग बैठक कर्मी समेत स्थानीय व्यापारी, मकान मालिकों, किरायेदारों ने भी शिरकत की। बैठक में देवाल बाजार में फैल रही गंदगी, सड़क के दोनों ओर कूड़ा करकट नार डाले जाने और देवाल में शहरी निकायों की दर्ज पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने की चर्चा की। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए
मुनूफी रेतु पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया और अधिकारियों को कई निर्देश देते हुए व्यवस्थाएं बरकरार रखने के लिए भी कहा। नगर पालिका परिसर में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे एवं महिला मोर्चा बीना साहू के नेतृत्व में आज हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने हिस्सा लिया और पालिका परिसर में वृक्षारोपण किया। वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे एवं महिला मोर्चा बीना साहू ने बताया कि पेड़ और पौधे एक मुख्य कारण हैं जिससे हम धरती पर जीवित हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए छायादार वृक्ष जरूर लगाएं। हमारे शहर की बहनें जो है कि सावन का महीना भी प्रारंभ हो गया है, हरेला का पर्व भी आ गया है, उसका प्रारंभ इन्होंने आज एक नीम का वृक्ष नगर पालिका कार्यालय में लगाया है और एक संदेश दिया है सभी लोगों को कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप छायादार वृक्ष अवश्य लगाएं। जो छायादार वृक्ष हमको छाया देने के साथ साथ हमारे को शारीरिक रूप से लाभ भी दें, जिसमें नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ऐसे छायादार वृक्ष इस बार अवश्य लगाएं। गदरपुर के प्रेम नगर गाँव के किसानों ने गदरपुर के ही एक सीड प्लांट पर घटिया और मिक्स सीड देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी गदरपुर को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। किसान बलवीर सिंह ने बताया है कि उन्होंने गदरपुर के परमहंस सीड प्लांट से धान का बीज खरीदा था, जिसमें 4 किसान थे और 30 एकड़ जमीन में हमने धान लगाया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ पाई गई हैं, जिसमें कि आधा धान पक चुका है और 40% लगभग धान में बाली नहीं आई है, जिसको वह काटने से भी परेशान हो रहे हैं और सीड प्लांट का मालिक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कोविड-19 को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को कोविड के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हरेला पर्व के अवसर पर आज सरकार ने बूस्टर डोज को फ्री में लगवाने का शुभारंभ किया है। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया है कि जिन लोगों को कोविड की 2 डोज लग चुकी हैं, वह अब उन्हें 72 दिन के भीतर बूस्टर डोज लगवानी है, जिसका शुभारंभ आज से कर दिया गया है। ये डोज बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएंगी। इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा पूरे भारत में एक साथ शुरू किया गया है, जिससे गरीब लोगों को बेहद लाभ होगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है। आज देहरादून के छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार देने की कवायद शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सुधेवाला में उत्तराखंड के सबसे बड़े मेगा किचन अच्छे पात्र का उद्घाटन किया है। इस किचन के जरिए अब 35,000 स्कूली बच्चों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुरादाबाद जनपद की बिलारी तहसील में तैनात SDM घनश्याम वर्मा की तानाशाही मनमानी का मामला सामने आया है, जहां फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद के घर पर इसीलिए बुलडोजर चलवा दिया गया क्योंकि कारोबारी ने लगभग 3.25 लाख रुपए SDM से उस फर्नीचर के लिए मांगे थे, जो SDM ने अपने घर के लिए और अपनी डिप्टी जेलर बेटी के लिए बनवाने को बोला था। फिलहाल फर्नीचर कारोबारी ने SDM और उनकी बेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अब इसकी शिकायत मुरादाबाद कमिश्नर सहित कई उच्च अधिकारियों से की है। खबर श्रावस्ती से है, जहां प्रकाशन डोज अभियान के अंतर्गत लोगों को निशुल्क वैक्सीन लगाई। इसके साथ ही जिला अस्पताल में पूर्व सांसद ददन मिश्रा ने फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की और तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।